नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। पुलिस प्रशिक्षण संस्था से आरआई शशि वर्मा और निरीक्षक आराधना रैकवार, सब इंस्पेक्टर नेहा चौहान, संगनी ग्रुप से ममता सांगते, समाज सेवक भरत बैंडवाल पहुंचे। आरआई शशि वर्मा और निरीक्षक आराधना रैकवार द्वारा शासकीय माध्यमिक विद्यालय की बालिकाओं को जानकारी देते हुए बताया कि सामाजिक सरोकार और सामुदायिक पुलिसिंग दोनों एक दूसरे के परस्पर संबंध रखते हैं। सामाजिक सरोकार समाज के प्रति जिम्मेदारी और चिंता, ये समाज में व्याप्त समस्याओं के प्रति सजगता और उनके समाधान के लिए प्रयास करने की प्रवृत्ति है। सामुदायिक पुलिसिंग एक पुलिसिंग की पद्धति है जिसमें पुलिस और समुदाय मिलकर अपराध को रोकने और समाज में शांति बनाए रखने के लिए काम करते हैं। इसमें पुलिस समुदाय के साथ मिलकर समस्याओं का समाधान करती है और अपराध को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाती है। अपराध को रोकना समाज में शांति बनाए रखना है। समुदाय की सुरक्षा, अपराधियों को सजा दिलाना, समाज में जागरूकता बढ़ाना, अपराध दर में कमी, समाज में विश्वास बढ़ता है। पुलिस और समुदाय के बीच संबंध मजबूत होते हैं, समाज में शांति और सुरक्षा बढ़ती है, अपराधियों को सजा मिलती है। पुलिस प्रशिक्षण संस्था से सब इंस्पेक्टर नेहा चौहान ने बालिकाओं को जानकारी देते हुए बताया कि साइबर क्राइम इंटरनेट और कंप्यूटर सिस्टम का दुरुपयोग करके किए जाने वाले अपराध हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के अपराध शामिल हैं, जैसे कि हैकिंग, किसी कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में अनाधिकृत पहुँच प्राप्त करना, फिशिंग ईमेल या मैसेज के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी चोरी करना, आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी व्यक्ति की पहचान चोरी करना और उसका दुरुपयोग करना, ऑनलाइन धोखाधड़ी, ऑनलाइन लेन देन में धोखाधड़ी करना, साइबर स्टॉकिंग, ऑनलाइन किसी व्यक्ति को परेशान करना, मलवेयर, हानिकारक सॉफ्टवेयर का प्रसार करना, रैंसमवेयर, कंप्यूटर डेटा को एनक्रिप्ट करना और फिरौती मांगना, डेटा चोरी, किसी कंपनी या व्यक्ति के डेटा की चोरी, ऑनलाइन अभद्रता, ऑनलाइन किसी व्यक्ति को अभद्र भाषा या व्यवहार का सामना करना, साइबर टेररिज्म, साइबर हमलों का दुरुपयोग करके आतंक फैलाना। साइबर क्राइम से बचने के लिए मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें, अपने सिस्टम और सॉफ्टवेयर को अद्यतन रखें, संदिग्ध ईमेल और लिंक्स पर क्लिक ना करें, अपने डेटा का बैकअप लें, ऑनलाइन लेन देन में सावधानी बरतें, अपने सिस्टम में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर स्थापित करें, ऑनलाइन गतिविधियों में सावधानी बरतें। यदि आप साइबर क्राइम का शिकार हुए हैं तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, अपने बैंक खाते को सुरक्षित करें, अपने सिस्टम को स्कैन करें, अपने डेटा को सुरक्षित करें, साइबर सेल में शिकायत दर्ज करें। संगिनी ग्रुप से पहुंची ममता सांगते द्वारा बालिकाओं को अपने आप को कैसे बचाना है उसको लेकर प्रैक्टिस करवाई। समाज सेवा से हमारे पास में जो आपको आत्मरक्षा के बारे में बताएंगी मैडम है ममता सांगले मैडम। हमारे उप निरीक्षक है नेहा चौहान जो आपको साइबर क्राइम के बारे में बताएंगी। अब आप लोगों के मन में उत्सुकता हो रही होगी कि ये जो है इतने सारे जो है पुलिस वाले हमारे यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या कारण है, क्या सिखाना चाह रहे हैं, हो रही ऐसी उत्सुकता आपके मन में हो रही है सर? देखो आप लोग 60 लोग, मैं अकेले बोल रही हूँ तो इतना तेज बोलो कि मुझे आवाज आए। तो आप में से कितने ऐसी बच्चियां हैं जो पुलिस विभाग में जाना चाहती हैं? सब जाना चाहती हैं? वेरी गुड। तो मैं टेस्ट ले लूं आप लोगों का? यस मैम। चलिए बोलो भारत माता की जय। आवाज ही आ रही है वहां पर से, जाए वो गेट रोड तक स्टार्ट करें। भारत माता की जय। भारत माता की जय। तो बच्चियां हैं, कई बच्चियां जो है हम लोग स्कूल आते हैं या फिर हम कहीं घूमने जाते हैं, मार्केट जाते हैं, कोई भी ऐसी जगह जाते हैं, निकलते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कुछ असामाजिक तत्व, कुछ असामाजिक तत्व के लोग जो रहते हैं वो हम लोगों को गलत तरीके से, गलत नियत से देखते रहते हैं, होता है ऐसा? हम महिलाओं को जो है भगवान ने एक ऐसी शक्ति दे रखी है जो हमको ये बता देती है कि हमको कौन किस तरीके से देख रहा है, किस नज़र से देख रहा है। ये भगवान ने हमको एक शक्ति दे रखी है जिससे हम हाल समझ जाते हैं कि हमको ये व्यक्ति जो है वो गलत तरीके से देख रहा है। अब जैसे कि आप लोग रास्ते से जा रहे हैं, कोई लड़का आपको देखकर सीटी बजा रहा है, आपको गलत तरीके के इशारे कर रहा है, या आप लोगों को लगातार घूरता जा रहा है, लगातार आपके पीछे आता है, आपको कोई गलत अश्लील चीज़ें दिखाने की कोशिश करता है,
अश्लील टिप्पणी कसता है आपके ऊपर, ये जो सब चीजें हैं अब अपराध की श्रेणी में आ गई है। पहले ये जो चीजें थी अपराध की श्रेणी में नहीं आती थी, लेकिन हमारे यहाँ पर जो है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम जब से आया है तब से ये जब सारी चीजें हो गई हैं ये अपराध की श्रेणी में आती है। तो अगर आपको ऐसा कोई लगता है कि कोई व्यक्ति जो है हमको लगातार देख रहा है, लगातार घूर रहा है, या कोई भी हमारे साथ ऐसी हरकत कर रहा है जो हमको अच्छी नहीं लग रही है, तो इसके बारे में जो है आपको रिपोर्ट करनी है। सबसे पहले हम सबके साथ समस्या क्या आती है रिपोर्ट करने के लिए कि हम थाने पर जाएंगे तो थाने पर क्या होगा। नेहा है, सब इंस्पेक्टर नेहा चौहान। मैं आज आपको कुछ चीजें बताने वाली हूँ जो कि आप लोग मोबाइल चलाते हैं या नहीं चलाते हैं, सभी लोग चलाते होंगे, चलाते हैं। साइबर अपराध के बारे में सुना है आप लोगों ने, पेपर में पढ़ते होंगे किनके साथ में साइबर अपराध हुआ है या ऑनलाइन ठगी हुई है, सुनते हैं, पेपर में पढ़ा है आपने। तो साइबर अपराध क्या होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। साइबर अपराध कंप्यूटर सब कुछ कुछ लोगों को आता होगा, कुछ लोगों को नहीं आता होगा। मोबाइल के घर में ऑनलाइन एंड्रॉइड फोन है तो मोबाइल नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से जो भी अपराध होते हैं, समझ रहे हो मेरा कहने का मतलब, मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या क्या होता है, जैसे टैबलेट, सुना है आपने टैबलेट, कंप्यूटर, मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट, ये जिन माध्यमों से भी अपराध होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, साइबर क्राइम कहा जाता है। जिसमें कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, कोई माध्यम होता है या कोई व्यक्ति होता है आपको सामने जो दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है ना, तब मोबाइल या इंटरनेट के माध्यम से जो भी अपराध होते हैं उन्हें साइबर अपराध कहा जाता है। पुलिस द्वारा साइबर अपराध के जो भी अपराध पंजीबद्ध होते हैं उसके लिए आईटी एक्ट बनाया गया है। क्या कहते हैं आईटी एक्ट को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इसके तहत आपके जो भी अपराध हुए हैं उस धारा में आपका अपराध को पंजीबद्ध किया जाएगा, ठीक है। और साइबर अपराध के प्रकार मैं बताती हूँ, जैसे साइबर अपराध में मोबाइल चलाते हैं या चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं ना आप, तो आप व्हाट्सएप चला रहे हैं किसी अननोन व्यक्ति के द्वारा जिसको आप नहीं जानते हो या जिसका नंबर आपके पास में नहीं थे। इंस्पेक्टर है ना, मैं यहाँ पर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में ही, हम लोग संशोधन हुए हैं हमारी बच्चियों के लिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखा गया है। अब जैसे हमें आपको रिपोर्ट करना है तो थाने में नहीं जाना है ना, आपकी बाहर भी रिपोर्ट सुनवाई होगी। बहुत अच्छी चीज़ बताई मैडम ने आपको, और भी क्या चीज़ बताई कि आपको ऐसी चीज़ जो सामने से आपको दिखती है कि ये व्यक्ति मेरे बारे में गलत सोच रहा है ना। उसने मैडम ने क्या बताया था कि जैसे घूरना, आपको आँख मारना, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई, तो हमको समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति गलत है। अब बेटा मैं आप लोगों को वो चीज़ भी बताऊंगी इसके साथ में कि गलत इसके अलावा भी कहीं हमारे बारे में सही सोच रहा है या गलत सोच रहा है। कैसी होती है वो, जैसे उदाहरण के रूप से जैसे कोई व्यक्ति करता है ना, कह रहे आप तो बहुत स्मार्ट हो, बहुत सुंदर हो, आप तो आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है ना, इस बारे में बात करता है, तो वो आपसे बात करने की कोशिश करके आपके करीब आने की, कोई व्यक्ति आपको जिसको आप जानते भी नहीं हो, जिससे आपकी पहचान हो। मैडम आज आपने जो अभियान चल रहा है अभियान के तहत इस प्रकार की जानकारी यहाँ बालिकाओं को दी गई, ये पुलिस मुख्यालय से जो है हमको सामाजिक सरोकार के तहत जो है स्कूलों में जा जाकर प्रशिक्षण देना है। तो हम लोगों ने जो है हमारी एसपी मैडम के जो मार्गदर्शन में आज शासकीय माध्यमिक विद्यालय पवासा में जो है बच्चों को हमने नए कानूनों के बारे में, महिलाओं बच्चों के संबंध में जो कानून बने उसके बारे में जानकारी दी, साइबर क्राइम के बारे में जानकारी दी, और जो सेल्फ डिफेंस है उसके बारे में उनको जानकारी दी गई। ये अभियान लगातार चलता रहेगा और हम नए नए स्कूलों में जा जाकर और वहाँ पर बालिकाओं को प्रशिक्षण देंगे।